अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का 1 लाख मंथली हमारा इनकम है, यानी कि कंपनी हमको पे करता है एवरी मंथ 5,000 दिरहम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना हमारे साथ में दो हमारे बहुत अच्छे से बहुत प्यारे से दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त हैं। इन लोगों ने जो है अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है दुबई के अंदर और अच्छी खासी ये रखते हैं नॉलेज। तो सोचा आपके साथ में इनकी जो इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो नॉलेज है, वो आपके साथ में शेयर किया जाए, ताकि आप थोड़े से आप मोटिवेट हो। जो मेरे भाई मेरे दोस्त दुबई से इंडिया से दुबई विजिट पे आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके जो है आज इनका मुकाम जो है बहुत अच्छे खासे जो है जगह पहुँच गए हैं, बहुत अच्छे खासे जो है यहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से जो है इज्जत भी बना ली है। तो मिलाते हैं इनसे और करते हैं इनका एक्सपीरियंस शेयर। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं, ये हमारे चांद भाई है, ये दिल्ली से है और साथ में ही हमारे रहते हैं, विजिट पे ये आए थे। इन्होंने विजिट पे आने के बाद अपने खुद से भाग दौड़ करके जॉब सर्च करी है, जॉब सर्च करने के बाद आज ये जो है काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं एक कंपनी में अकाउंटेंट का, ठीक है। तो अभी इनका अच्छा खासा मतलब सेटअप हो गया है काम का यहाँ पे, और अभी भाई जो है प्लानिंग कर रहे हैं लाइसेंस लेने की। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर दुबई के अंदर अपने पास लाइसेंस है ना, यानी अगर हमको ग्रो करना है दुबई में तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ का लाइसेंस। तो मिलाते हैं चांद भाई से। चांद भाई कैसे हो? बढ़िया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? अभी फ्यूचर में ये भी अपना जो है YouTube, वैसे YouTube चैनल इन्होंने ओपन किया है, जल्दी आपको ये देखने को मिलेंगे। हाँ, मैंने YouTube चैनल बनाया है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा है, प्रेशर कंपनी का थोड़ा रहता है, तो इसके लिए मैं कभी वीडियो बना पाता हूँ, कभी नहीं बना पाता हूँ, कभी डालता भी हूँ तो बहुत मुश्किल से, इसके लिए भी फिलहाल के लिए मैंने स्टॉप किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल करके जरूर डालेंगे, वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों सेकंड हमारे साथ में हमारे दोस्त है मुजफ्फर, ये यूपी से है। यूपी कहाँ से हो मुजफ्फर भाई? मैं यूपी रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मुजफ्फर भाई भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, माशाल्लाह से लाइसेंस होल्डर भी है दुबई के और आउटडोर ये काम करते हैं। चांद भाई तो कंपनी में ऑफिस में ही काम, ऑफिस वर्क करते हैं ऐसे अकाउंटेंट, बट जो हमारे मुजफ्फर भाई है ये आउटडोर काम करते हैं। मुजफ्फर भाई थोड़ा बताना चाहोगे आप अपने काम के बारे में, क्या काम करते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक कंपनी में हूँ। पहले तो मैंने यहाँ का लाइसेंस लिया था, लाइसेंस लेने के बाद मैं एक कंपनी ज्वाइन की, तो मेरे को अभी 5 साल हो चुके हैं यूएई के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे पास अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया, तो अभी मैं एक कंपनी है जिसमें मैं ड्राइवर भी हूँ, सेल्समैन भी हूँ और अकाउंटेंट भी हूँ। तीन मेरे पास में है, अभी मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देता हूँ मैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है खान के ब्लॉग से नाम से, तो बहुत अच्छा लगता है इधर दुबई में है। दुबई में आने के बाद में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई सामने, लेकिन अल्लाह ताला जो है हर एक परेशानी को दूर करने वाला है बेशक। तो अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत देखी, सब कुछ देखा, और अल्लाह ताला ने आज हमें इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज हम इधर आके इन्होंने लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद आज ये इस मुकाम पर, क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, मेहनत करने के बाद आज ये 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई आप 5 साल पहले इधर कैसे विजिट से आए थे या किसी? 5 साल पहले एक मेरा कजन थे इधर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं विजिट भी आया था, फिर जाके मैंने जॉब देखा। तो आपको मालूम भी होगा सोनू भाई कि इधर एक कंपनी है डू और रेती सलाद का, जो कि दो ही कंपनी है यूएई के अंदर, डू और रेती सलाद। तो मैं रेती सलाद में ज्वाइन हुआ था, मेरा कॉन्ट्रैक्टर था बांग्लादेश का, तो उनके पास मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया था। सिर्फ मात्र उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन अपना किया था, उस टाइम पे मेरा सैलरी ओनली 1200 लगाया था, मेरे को मंथली 1200 मिलता था, जिसमें मेरे को खाना भी है, पीना भी है, खर्चा भी है, सब कुछ मेरे को उसमें करना था। चांद भाई आप दिल्ली से हो ना? बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में मैं रहा हूँ, परवरिश मेरी दिल्ली में हुई है, स्टडी मैंने दिल्ली में किया हुआ है, बिलोंग बट बिहार से करता हूँ। और एक्सपीरियंस मेरा, मैं इंडिया में भी पहले एज एन अकाउंटेंट मैंने काम किया हुआ है, और सीनियर सेल्स मैनेजर का भी मैंने काम किया हुआ है मुंबई के अंदर में। जब मैं यहाँ मुंबई से यहाँ आया था, फ्रेंड के थ्रू आया था, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि एजेंट के थ्रू मत जाना, डायरेक्ट आओ यहाँ पे, खुद से सर्च करो, क्योंकि एजेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करता है, कहते हैं आपको वीज़ा देगा, टिकट देगा, और यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस कारण से मैं अपने विजिट वीज़ा पर आया था,
तीन महीने मैंने सर्च किया था, लास्ट चार दिन बचे थे, जॉब तो मुझे बहुत सारे मिल रहे थे बट जो सुटेबल था मेरे लिए वो जॉब मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे मैं सर्च करता रहा, लास्ट के चार दिन जब बचे थे तब मैं एक कंपनी में पहुंचा, वहां पे उसने बोला कि भाई यहां पे साफ सफाई वाले बंदे हैं ना उसकी जॉब खाली है, बाकी कोई जॉब नहीं है। अच्छा। मैंने बोला मैं ऑनर से मिलना चाहता हूँ, ट्रू है, मैं कहते हैं बोला ऑनर से मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऑनर से मिला था, फिर मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है कि मेरा आप CV देख लीजिए, मेरा क्वालिफिकेशन है और मैं अकाउंट्स का जॉब करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके लिए आया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इंडिया से थे वो, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर जो सीनियर अकाउंटेंट था उसको कहते हैं मेरा CV दिया, बोला कि देख लो अगर ये बंदा अपने काम का है तो फिर इसको ट्रायल पीरियड पे रखो। तो चार दिन के लिए ट्रायल पीरियड पे रखा था, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जॉब ओके किया था। फिर तब से इस कंपनी में तब से आज तक हूँ मैं और काफ़ी अच्छा जॉब है मेरा, कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जॉब ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन देर होगा, दुरुस्त होगा, अच्छा होगा, तो मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, बस यही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आपने बात सुनी मुजफ्फर भाई की भी और आपने बात सुनी चांद भाई की भी, इन्होंने दोनों ने आपको अपना, आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए